अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बांग्लादेश के खिलाफ शर्मनाक शिकस्त के बाद पाकिस्तान के नए टेस्ट कप्तान का ऐलान कर दिया गया है। नए कप्तान ने आते साथ ही जो प्लेयर्स फॉर्म में नहीं थे उनकी छुट्टी कर दी है और इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए एक नई टीम का ऐलान भी कर दिया है। किन प्लेयर्स को टीम में शामिल किया गया है मुकम्मल तफसील इस वीडियो में, वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। सबसे पहले अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैन हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकॉन को दबा दें। नाजरीन, शान मसूद की कप्तानी में पाकिस्तानी टीम एक मर्तबा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज हारी और अब बांग्लादेश के खिलाफ भी दोनों मैचेस हार गई। चेयरमैन पीसीबी ने शान मसूद को कप्तानी से हटाने का फैसला कर लिया है और उनकी जगह मोहम्मद रिजवान को टेस्ट टीम की कप्तानी सौंपी जाएगी। वो प्लेयर्स जो इस वक्त फॉर्म में नहीं उनको टीम से निकाल कर यंग प्लेयर्स को इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में मौका दिया जाएगा। इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज अक्टूबर में खेली जाएगी। इंग्लैंड की टीम अक्टूबर के शुरू में पाकिस्तान पहुंचेगी। वीडियो को मुकम्मल देखने के लिए शुक्रिया।